सरकार द्वारा चलाई जा रही शहरी विकास आवास योजना को लेकर यहाँ जागरूकता अभियान एक रैली निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में लोगों को समझाया गया कि कोई भी दलाल से न मिले और न ही दलाल से कोई कार्य कराएं। यह कार पूर्णतः निशुल्क है। यदि कोई दलाल किस्म का व्यक्ति या महिला अथवा सर्वे करने वाली कंपनी के कर्मचारी डूडा विभाग के नाम पर अवैध वसूली करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना ऑडियो वीडियो फोन के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ डूडा कार्यालय जालौन के निम्न मोबाइल नंबरों पर सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम देखिए, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लोगों में जागरूकता अवेयरनेस फैलाना, जो लोग इस लाभ का पूरा फायदा नहीं ले पा रहे हैं, लाभार्थी जो भी जो इसके अंतर्गत आते हैं उनको लिए अवेयर करना, और इसके साथ साथ इसमें कोई काला बाजार में कोई गलत इसका दुरुपयोग ना कर पाए, बीच के कुछ दलाल टाइप के लोग उनके लिए ये उनके विरुद्ध ये एक अभियान चलाया गया जो कुछ दिन तक चलेगा निर्देशानुसार जैसा भी आगे मिलते हैं। और इसमें डूडा और सभी सरकारी जितने भी विभाग हैं उन सब ने इसका सहयोग किया है, और इसमें शहरी आजीविका केंद्र भी साथ में सहयोग कर रहा है। जिसमें आपने अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया थी? इसकी हरी झंडी दिखा जो है एडीएम सर ने हमारे यहाँ हरी झंडी दिखाकर इसको, कुछ रिक्शे थे उसमें और कुछ लोग थे जो झंडियाँ लिए हुए थे जो इस अभियान में थे, वो हरी झंडी हमारे एडीएम सर ने दिखा। अरे, पूरे शहर में रिक्शे को घुमाया गया कि खाली? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे शहर में नहीं बल्कि और पूरे जितने निकाय हैं यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट जालौन में, जिला जालौन में जितने भी 10-9 निकाय हैं उन सब जगह पर ये अभियान चलाया जाएगा, और सभी लगभग सभी जनपद के सभी नगर गांव में इस अभियान को शुरू करके और इस अभियान को चलाकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी जिसका वो पूरा लाभार्थी लाभ ले सके। ये आपको मालूम नहीं है कि ये आवास का प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त स्वीकृत लाभार्थियों का जा रहा है। कुछ शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई थी कि बीच में लोग जा करके लाभार्थियों को गुमराह करना, बिचौलियापन करना कि हम जैसे कर देंगे, हम 2 दिन में करा देंगे, हम 4 से कुछ धन उगाही की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए ये ई रिक्शे से सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में उनको आगाह करने के लिए, उन्हें सचेत करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए ये योजना डीएम साहब के निर्देशन में चलाया जा रहा है। ये कितने दिन चलेगा ये हम जितनी बस्तियां हमारी लगभग हैं हम सारी बस्तियों में ई रिक्शा भेजेंगे, और बैनर भी हम नगर पालिका के नोटिस बोर्ड पर और उनके और दीवारों पर हर जगह बैनर भी हम लगा दिए हैं, मोबाइल नंबर दे दिए हैं, जिसे भी कोई दिक्कत हो वो सीधे डूडा से संपर्क करे, किसी बिचौलिया से, किसी दलाल से, किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निःशुल्क योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें कुछ लोग ऐसे शिकायतें मिली थी जिसको ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से